बेस्ट लैपटॉप फॉर ऑफिस वर्क। यहाँ पर ऑफिस यूज के लिए अगर आप एक लैपटॉप परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर आपका बजट कोई भी हो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट लैपटॉप्स फॉर ऑफिस यूज अंडर 30,000 से लेके 1 लाख रुपीज के प्राइस रेंज के अंदर जितने भी बजट्स हैं उनके सारे सबसे बेस्ट लैपटॉप्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखने वाला, कोई भी कंफ्यूज नहीं करूँगा, स्पेसिफिकेशन बता के आपके मन में हलचल नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर आपके बजट के हिसाब से जो सबसे बेस्ट लैपटॉप अवेलेबल है मैं आपको वही बताऊंगा और उसके डिटेल्स एंड उनके परचेस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाइन से मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। देखिए, जब हम ऑफिस यूज के लिए लैपटॉप परचेस करें तो यहाँ पर हमें कुछ फीचर्स हमें हाईली रिकमेंड करना चाहिए लैपटॉप के अंदर। सबसे पहला फीचर यहाँ पर उसका वेट लैपटॉप का, यहाँ पर एकदम लाइट वेट लैपटॉप होना चाहिए, स्लिम बॉडी के साथ लाइट वेट लैपटॉप होना चाहिए। आपको ऑफिस के लिए यूज करना है तो आपको लाइट वेट की बहुत जरूरत पड़ेगी डे टू डे ट्रैवल के टाइम पे। सेकंड फीचर इसका बैटरी बैकअप, अगर बैटरी बैकअप अगर आपका अच्छा नहीं रहा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आपके लैपटॉप के साथ ऑफिस यूज के टाइम पे। एंड थर्ड इसका प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी एंड प्रीमियम डिजाइन, यहाँ पर कोई भी RGB कलर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी नॉर्मल डिजाइन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्लासिक एंड प्रीमियम डिजाइन होना चाहिए अगर आपको ऑफिस के लिए यूज करना है। तो सारे चीजों को मैंने यहाँ पर गौर करके लैपटॉप से लेके आपके लिए, तो चलिए लैपटॉप की लिस्ट के तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम जाया करे। अंडर 30,000 सबसे पहला Acer Extensor 15 आप परचेस कर सकते हो, सेकंड HP 15S को परचेस कर सकते हो। ये दोनों लैपटॉप बेस्ट है अंडर 30,000। अंडर 40,000 Lenovo ThinkBook 14 आप परचेस कर सकते हो, सेकंड Dell Vostro 3420 इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। ये दोनों बेस्ट है अंडर 40,000 में। 50,000 के बजट में आप परचेस कर सकते हो Lenovo IdeaPad Slim 3 को आप परचेस कर सकते हो, सेकंड Dell 2-in-1 Inspiron 7420 मॉडल के इस लैपटॉप को, 2-in-1 टच स्क्रीन लैपटॉप है Dell की तरफ से। ये दोनों बेस्ट है 50,000 के बजट में, जाके चेक कीजिए। चलिए बजट को और बढ़ाते हैं, अंडर 60,000 की बात करते हैं, यहाँ पर आप परचेस कर सकते हो Samsung Galaxy Book 2 को परचेस कर सकते हो, सेकेंड HP Pavilion 15 सीरीज के लैपटॉप को परचेस कर सकते हो, एंड थर्ड Dell Inspiron 3520 मॉडल के लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। ये तीनों के तीनों बेस्ट है अंडर 60,000, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कीजिए, सबसे बेस्ट होने वाले हैं 60,000 के बजट में। 70,000 के बजट में आप परचेस कर सकते हो Asus VivoBook Pro 15 मॉडल के लैपटॉप को, सेकेंड HP Pavilion 15 सीरीज के लैपटॉप को। ये दोनों बेस्ट है अंडर 70,000 रुपीज। चलिए बजट को और इंक्रीज करते हैं, बात करते हैं अंडर 80,000। सबसे पहले आप परचेस कर सकते हो ये है एप्पल मैकबुक एयर M1, सेकंड यहाँ पर Dell Inspiron 7420 मॉडल के लैपटॉप को, थर्ड यहाँ पर Xiaomi नोटबुक प्रो 120G मॉडल के लैपटॉप। ये तीनों के तीनों बेस्ट होने वाले अंडर 80,000 रुपीज। 1 लाख रुपीज के अंदर आप परचेस कर सकते हो सबसे पहले एप्पल मैकबुक एयर M2 चिप वाला लैपटॉप परचेस कर सकते हो, सेकेंड Asus ZenBook 14 OLED सीरीज के लैपटॉप को परचेस कर सकते हो, एंड थर्ड Lenovo Yoga Slim 7 Pro को परचेस कर सकते हो। ये तीनों के तीनों बेस्ट होने वाले हैं 1 लाख रुपीज के बजट में। So, यही थे सबसे बेस्ट लैपटॉप जो आप परचेस कर सकते हो ऑफिस यूज के लिए 30,000 से लेके 1 लाख रुपीज के बजट रेंज के अंदर। अभी इन में से आपका बजट कौन सा है आप डिस्क्रिप्शन में सेग्रीगेटेड वे में मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा, तो लिंक्स में क्लिक करके जाके अमेजोन से आप परचेस कर सकते हो। कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला लैपटॉप को परचेस करने के टाइम में, ये मेरा वादा है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करो, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कमेंट करके बताइए इनमें से आप कौन सा परचेस करोगे, कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट लिखिए, मैं आपको रिप्लाई पक्का दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप हमें चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो एक काम कर लीजिए, रेड के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो फ्यूचर के जो वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मेरा नाम इमरान है, आप देख रहे हैं टेकी इमरान, तो इस तरह के संस्था में फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना प्लीज ख्याल रखिए। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's